नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वॉइस में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनटंगिया के बीच में दीपावली मनाने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ 10 वर्षों से इन वनटांगों के बीच दीपावली मनाते रहे हैं और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज के 18 गांव को राजस्व गांव घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब वनटांगिया को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो अन्य गांवों को मिलती है। 100 वर्ष के बाद राजस्व गांव का दर्जा मिलने पर मैं हृदय से आप सबको बधाई देता हूं और दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं। 1918 और 1920 के बीच ब्रिटिश कालखंड में इन लोगों को यहां बसाया गया था और ये लगभग प्रदेश के अंदर 65 ऐसी बस्तियां हैं जिन्हें आजादी के बाद भी कोई मान्यता नहीं दी गई। ये प्रधान थे, खाना बदोसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, शासन की किसी भी सुविधा का लाभ इन्हें नहीं मिल पाता था, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न बिजली, न पानी, न सड़क, कुछ भी। वहीं दशकों बाद अयोध्या को सजाया गया था। श्री राम की नगरी चारों तरफ से जगमगा रही थी। सियासतदानों से लेकर आम जनता और संत समाज अयोध्या में मौजूद थे। भगवान श्री राम की महिमा को पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। विदेशी कलाकार अयोध्या पहुंचे थे रामलीला का मंचन करने और यूपी कैबिनेट के अलावा कई केंद्रीय मंत्री इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए पहुँचे थे। माहौल रोशनी से जगमग और हर्षोल्लास से भर देने वाला था। अयोध्या को सजाया गया था। दशकों बाद अयोध्या पूरी तरह रोशनी में डूब गई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे साक्षात राम कलयुग में अयोध्या की धरती पर उतर आए हों। दीपों से जगमगाती राम की नगरी अयोध्या को जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया और हर कोई यही बोला, अयोध्या अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय सी लग रही है। अयोध्या की परम पावन सरयू नदी के तट पर मनोहारी दृश्य देखकर बस यही शब्द लोगों के मुंह से निकल रहे थे, इससे अद्भुत कुछ और नहीं हो सकता, ऐसी कल्पना कभी नहीं की जा सकती और ऐसा विश्वास अभी तक नहीं हुआ था। यूपी के सीएम योगी से लेकर योगी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी था। चारों तरफ रोशनी से सराबोर माहौल था और गूंज रहे थे जय श्री राम के नारे। अयोध्या में सरयू के तट पर सरस सरीला की आरती और दीपोत्सव के साथ ही पौराणिक नागेश्वर नाथ मंदिर के पार्श्व में प्रवाहित श्रीराम पैड़ी पर तकरीबन 1,87,213 दीपों से संपन्न दीपोत्सव का आयोजन किया गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति स्वर्ग जैसी अनुभूति महसूस कर रहा था। लेजर लाइट और तकनीक से पूरे रामायण के चित्रण को लोगों को दिखाया गया जिसे पूरी योगी कैबिनेट ने भी देखा। और दूसरी जगह पर यमुना बहती है, गंगा और यमुना का जब संगम होता है तो हमको कितनी खुशियां होती है और उसी प्रकार केंद्र सरकार की गंगा बहती है, वह उत्तर प्रदेश के सरकार की यमुना बहती है, दोनों का संगम हुआ और आज का ये दिन यहाँ पर आया कि अयोध्या का और विकास करने के लिए हम यहाँ पर सब इकट्ठा हुए। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और थीम त्रेता युग में भगवान श्री राम के अयोध्या पुनर्वापसी की छवि को रेखांकित कर रही थी। अपने संबोधन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इसे भगवान की गरिमा के मुताबिक आयोजन बताया। याद रखना, अयोध्या नगर निगम की जितनी आबादी है उतने दीप आज अयोध्या में जलेंगे। यहाँ के घाटों पर सरयू जी की आरती के तत्काल बाद जो कार्यक्रम भव्यता के साथ होने जा रहा है वह दीपोत्सव का कार्यक्रम बड़ी दिव्यता के साथ पूरा देश और पूरी दुनिया देखना चाहती है और उस दृश्य से हम लोग यहाँ पर आपके बीच आए हैं। आप अयोध्या में हैं लेकिन आप जानकारी रख आपको रखना चाहिए, भगवान राम की जिस लीला को यहाँ पर आप मंचन करते हैं, तुलसीदास जी ने जिस रामलीला की शुरुआत प्रारंभ की थी, ये रामलीला केवल यहीं तक सीमित नहीं है, ये रामलीला थाईलैंड में भी होती है,
ये रामलीला इंडोनेशिया में भी। तो देशभर में दीपावली की धूम है, लखनऊ में किस तरह से लोग दीपावली मना रहे हैं, किस तरह से उत्साह है लोगों में। हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता नकुल चतुर्वेदी के पास, जो इस वक्त लखनऊ में हैं, लोगों के बीच हैं। नकुल, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह है। बिल्कुल विद्या, आपको बता दूं कि रोशनी के पर्व त्योहार की जो झलक है लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में पूरे तरीके से देखने को मिल रही है। अगर मैं अपने कैमरामैन अंगद को कहूं तो वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस वक्त तमाम मकान सजे हुए हैं, झालरें सजी हुई हैं इधर से लेकर उधर तक। एक कॉलोनी है, कठौता चौराहा है, उसके पास की एक कॉलोनी है, वहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और इस कॉलोनी में तमाम मकान मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हर जगह सिर्फ जगमगाहट है, रोशनी की जगमगाहट है। कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है, और इसी पर्व को मना रहा है आज सारा हिंदुस्तान। लखनऊ की कुछ इस कदर की तस्वीर है, यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ पर बड़े भी मौजूद हैं, और कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं जो इस वक्त दीपावली के इस पावन त्यौहार को मना रहे हैं। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो पीछे मेरे काफ़ी लोग हैं, यहाँ पर घर के आसपास के लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं आपको कहूँगा अंगद, एक बार फिर दिखाएँ ये जो रोशनी है, ये जो रोशनी मिस्तराबोर तमाम जो घर हैं उन घरों की तस्वीर दिखाएं। विद्या, आप देख पा रहे होंगे घरों में रोशनी है, लेकिन जिस तरीके की उत्सुकता हम हर बार देखा करते थे, ज्यादा पटाखे लोग फोड़ा करते थे, उस तरीके की उत्सुकता फिलहाल उससे थोड़ी सी कम हमें देखने को मिल रही है। अब तस्वीरों में आप देखेंगे अनार छोड़े जा रहे हैं, यही है खुशी का त्यौहार, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्यौहार इस वक्त मनाया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, हमारे साथ कुछ युवतियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। तो अभी ज़रा जश्न में बिजी हैं, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, पहले पटाखे जलाएंगे उसके बाद फिर हम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि दीपावली का जश्न है। एक्सक्यूज़ मी, आपसे बात करूँगा, आपका नाम क्या है? कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशली दिल्ली से आई हूँ आज। वाह, तो पिछली बार के मुकाबले क्या इस बार कुछ डिफरेंट कर रहे हैं आप? नहीं, सब सेम है, पटाखे, नॉइजेस, एवरीथिंग। अच्छा, कैसा महसूस कर रहा है? अच्छा लग रहा है, दिवाली से कलर ऑफ लाइट्स से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। अच्छा, अभी कितनी देर तक पटाखे छोड़ने का मन है आपका? अभी तो हम 2 दिन तक। अच्छा, कल जो अयोध्या में जो सब कुछ हुआ, दीपों से पूरी अयोध्या की नगरी को सजाया गया था, वो सब देखकर कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी नकुल, अच्छा आप बताइए, कल अयोध्या का आपने मंजर देखा था किस तरीके से अयोध्या में? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल नकुल, ये जो युवतियाँ वहाँ पर पहुँची हुई हैं दीपावली में के जश्न में, सब बहुत ही उत्साहित नजर आ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे पर बैन लगाया है NCR क्षेत्र में, दिल्ली की जहाँ तक बात कर ली जाए, तो क्या ये इस वजह से भी आज लखनऊ में आई हैं? क्या आप, एक्सक्यूज मी, आप बता रहे थे कि आप दिल्ली से लौटी हैं, तो क्या वहाँ पर जो बैन लगाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटाखों पर, तो इसलिए लखनऊ आना पड़ा आपको पटाखे छोड़ने के लिए? नहीं, एक्चुअली हमारा घर यहाँ पे, हम वहाँ सिर्फ पढ़ने गए हैं। दरअसल विद्या, इनका घर यहाँ पर है, वहाँ दिल्ली में पढ़ाई करती हैं, और इसीलिए घर पर आके ये सब जश्न मनाया जा रहा है। और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं विद्या, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम? आयुषी। आप क्या कर रहे हैं आज? इंजॉय कर रही हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार कैसा महसूस? बहुत अच्छा, मेरी फ्रेंड भी आई दिल्ली से, हमें अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, कल आपने अयोध्या का सीन देखा होगा, अयोध्या में जिस तरीके से इतने सारे दिए जलाए गए थे, पूरी अयोध्या जगमगा रही थी, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा कि कम से कम दिए जलाए गए, पटाखे, पॉल्यूशन नहीं हो रहा वहाँ पे। तो दियों से पॉल्यूशन नहीं होता है? हाँ, पटाखों से तो ज़्यादा होता है। अच्छा, तो अब क्या प्लान है आपका, रात तक पटाखे छुड़ाने हैं? 2-3 घंटा। तो अभी विद्या जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अभी उत्साह लोगों में बरकरार है। ये कुछ युवतियां हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, दिल्ली से लौटी हैं, और अभी 2-3 घंटे तक, लगभग मतलब अभी 9:15 बज रहे हैं, तो लगभग 12 बजे तक ये पटाखे फोड़ने का दौर लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर ये कि लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में आज दीपावली को लेकर काफ़ी उत्साह है, लोग दीप जला रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, और सबके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट है।